हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द चैप्टर नंबर 9 नियर माय हाउस। नियर माय हाउस मींस जो आपके घर के आसपास की चीजें, जैसे आपके नेबर्स हो गए और कोई भी प्लेसेस हो गए, उसके बारे में आपको आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, नियर माय हाउस में। लेट्स सी, वेयर विल टिया बाय द फॉलोइंग थिंग्स। टिया कहाँ जाएगी ये सारी चीजें लेने के लिए, मेडिसिन, पोस्ट कार्ड, शुगर और पेंसिल, ये चारों चीजें आपको शो हो रही है ना, ये चीजें लेने के लिए, थिंग्स लेने के लिए कहाँ पे जाएगी, बाय करने के लिए कहाँ जाएगी। राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस टू मैच देम। आपने क्या करना है, राइट द करेक्ट नंबर, आपने नंबर को करेक्ट बॉक्सेस जो बने हुए हैं, जैसे ग्रोसरी शॉप का बॉक्स बना हुआ है, स्टेशनरी शॉप का बॉक्स बना हुआ है, उसके साथ मैच करना है इसको। जैसे देखो, फर्स्ट नंबर पे क्या है, मेडिसिन। मेडिसिन लेने के लिए आप कहाँ जाओगे, केमिस्ट शॉप पे, केमिस्ट पे मिलती है ना मेडिसिन। नेक्स्ट पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड कहाँ जाएंगे लेने, पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में क्या मिलते हैं हमें, पोस्ट कार्ड। नेक्स्ट है शुगर, शुगर लेने के लिए आप कहाँ जाओगे, ग्रोसरी शॉप पे। ठीक है, ग्रोसरी शॉप पे खाने पीने की सारी चीजें हमको प्रोवाइड होती है, मिलती है वहां से। पेंसिल लेने के लिए कहाँ जाओगे, स्टेशनरी शॉप पे, क्योंकि पेंसिल क्या होती है, स्टेशनरी मटेरियल होती है, तो वो किस शॉप से मिलेगी, स्टेशनरी शॉप से। नेक्स्ट, टिया हैज गोन टू विजिट हर फ्रेंड रिया। टिया क्या करती है, एक दिन विजिट करती है, जाती है रिया के हाउस में, अपनी फ्रेंड है जो उसकी, रिया के घर जाती है। रिया डिसाइड्स टू शो टिया अराउंड। रिया क्या करती है, डिसाइड करती है टिया को सारी आसपास की चीजें, अपने घर के जो आसपास की चीजें हैं वो दिखाएगी। द पीपल हु लिव नियर आर हाउस आर आर नेबर्स। जो पीपल होते हैं हमारे घर के पास रहते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं। आर नेबर्स एंड द प्लेसेस अराउंड आर हाउस इज आर नेबरहुड। जो अपने घर के पास प्लेसेस होते हैं और नेबर्स होते हैं वो सारे क्या बन जाते हैं, हमारे नेबरहुड बन जाते हैं। वी मस्ट हैव गुड रिलेशंस विद आर नेबर्स एंड हेल्प ईच अदर। हमें क्या करना चाहिए, अपने नेबर्स के साथ गुड रिलेशंस, अच्छे रिलेशन, अच्छे अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए और उनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए, ताकि वो टाइम पड़ने पर हमारी भी हेल्प करें। मेक अ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टेलीफोन नंबर्स इन योर डायरी, ऑलवेज कीप इट इन अ बैग विद यू। ठीक है, हमें इम्पोर्टेंट टेलीफोन नंबर, जैसे फायर स्टेशन का नंबर, हॉस्पिटल का नंबर, पुलिस स्टेशन का नंबर, ऐसे इम्पोर्टेंट नंबर्स अपने बैग में हमेशा रखने चाहिए, डायरी में लिख के रखने चाहिए। दिस इज अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की पिक्चर शो हो रही है ना हमें, दिस इज अ हॉस्पिटल, इट हैज मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज। ठीक है, ये हॉस्पिटल की पिक्चर है, यहाँ पे काफी डॉक्टर्स और नर्सेज हैं। वी कम हियर व्हेन वी फॉल इल, हम यहाँ कब आते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं। इम्पोर्टेंट प्लेसेज इन द नेबरहुड, रिया टोल्ड टिया दैट मैनी इम्पोर्टेंट प्लेसेज नियर हर हाउस प्रोवाइड यूजफुल सर्विसेज। रिया क्या बताती है टिया को, भी हमारे घर के पास काफी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जो हमें काफी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड मीन्स देते हैं, कुछ देना, सर्विस देना। ये देखो, केमिस्ट की शॉप, स्वीट्स की शॉप, अलग अलग शॉप्स हैं जिससे हम अलग अलग चीजें बाय करते हैं। पुलिस स्टेशन का, पुलिस स्टेशन हो गया यहाँ पे। दिस इज अ फायर स्टेशन, देयर आर फायर इंजन्स इन द फायर स्टेशन, फायर मैन हेल्प टू पुट आउट फायर्स। जो ये फायर स्टेशन है, यहाँ पे क्या होता है, इसको हम कब कॉल करते हैं, जब कभी फायर लग जाती है, इसको कॉल करके बुलाते हैं, तो ये फायर को खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट, देयर इज अ पोस्ट ऑफिस, वी गेट पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स एंड इनवेल्प्स हियर। हमें पोस्ट ऑफिस से क्या मिलते हैं, पोस्ट कार्ड मिलते हैं, इनलैंड लेटर मिलते हैं और इनवेल्प्स मिलते हैं। ठीक है, जो हम पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं आराम से। और स्मॉल हेल्थ फैसिलिटी इज कॉल्ड अ क्लिनिक, जिससे हमें, जैसे हॉस्पिटल में तो बड़ी फैसिलिटी के लिए हम जाते हैं, अगर कोई बड़ी बीमारी हो तो जाते हैं। क्लिनिक में क्या होता है, जो छोटी छोटा, जैसे आपको फीवर वगैरह हो गया, कुछ छोटा मोटा हो गया, तो उसके लिए हम क्लिनिक जाते हैं। क्लिनिक में हमें छोटी फैसिलिटी मिल जाती है, स्मॉल हेल्थ फैसिलिटी मिल जाती है। ठीक है, वो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, क्लिनिक में जाते हैं, वो क्लिनिक होता है। दिस इज अ पार्क, चिल्ड्रन कम हेयर टू प्ले, ये पार्क है जिसमें चिल्ड्रन प्ले करने के लिए आते हैं और पीपल यहाँ पे वॉक करते हैं, सैर वगैरह करते हैं। दिस इज अ बैंक, पीपल कीप मनी एंड वैल्यूएबल थिंग्स। ये बैंक है, इसमें क्या करते हैं, पीपल अपनी मनी वगैरह रखते हैं, सेव करते हैं। एटीएम कार्ड है, जैसे पैसे वगैरह निकालने के लिए, सारा कुछ यहाँ से होता है, बैंक में होता है। नेक्स्ट, स्कूल,
This is my school. The principal is the head of a school. There are many teachers in a school. The peon rings the school bell. The sweepers cleans the school. ठीक है, यहाँ अलग अलग सारे people है जो अपना अपना role play करते हैं. जैसे principal head of the school होता है, teachers school में बच्चों को teach करते हैं. ठीक है, पियून जो होता है रिंग करता है बेल को. अभी आपको पता चलता है ना, अभी लंच ब्रेक होगी या कुछ हो गया ऐसे. स्वीपर जो होता है सब कुछ क्लीन करता है स्कूल में, जो सारी क्लीनिंगनेस सफाई वगैरह वो देखता है. ठीक है, ये स्कूल होता है जिसमें अलग अलग चीजें होती है. कंप्यूटर लैब होती है, लाइब्रेरी होती है, आर्ट रूम, म्यूजिक रूम, क्लास रूम्स होते हैं, डांस रूम, प्रिंसिपल रूम, ऐसे सारी चीजें होती है. टिया टोल्ड रिया दैट देयर आर सम प्लेसेस some other places in the neighborhood too, like a bus stand, auto stand and a railway station. okay, Tia बताती है रिया को, भी मेरे घर के पास क्या क्या है नेबरहुड में. बस स्टैंड भी उसके घर के पास ही है, ऑटो स्टैंड भी उसके पास ही है. अगर कहीं जाना हो तो उसके लिए काफी फैसिलिटी हो गई ना. बस स्टैंड है उसके पास, घर के पास नियर ऑटो स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है. टिया एंड रिया अग्रीड दैट वी शुड कीप आर नेबरहुड क्लीन. टिया और रिया क्या डिसाइड करती है, क्या करते हैं, ये हम अपने नेबरहुड को, जो हमारा आसपास का एरिया है, उसको क्या करेंगे, साफ सुथरा रखेंगे. अ गुड नेबर इज अ प्राइसलेस ट्रेजर. जो गुड नेबर होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, एक प्राइसलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, ऐसा खजाना होते हैं हमारे नेबर्स. आर नेबर्स एंड द प्लेसेस अराउंड आर हाउस फ्रॉम आर नेबरहुड. ठीक है, जो हमारे नेबर्स होते हैं और प्लेसेस होते हैं अराउंड आर हाउस, वो हमारे नेबरहुड होते हैं. वैसे आपको पहले जो बताया है, जो हमारे घर के आसपास की चीजें होती हैं और नेबर्स होते हैं, लोग होते हैं, वो क्या हमारा बन जाता है, नेबरहुड बन जाता है. देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस नियर आर हाउस विच प्रोवाइड यूजफुल सर्विसेज. ठीक है, जो नियर होते हैं प्लेस, उनके उनसे हमें क्या मिलती है, जैसे पोस्ट कार्ड, आप पोस्ट ऑफिस आपके घर के पास है तो आपने कुछ भी करना है, पोस्ट ऑफिस है, कुछ कार्ड इनवेल्प वगैरह लेना है तो आप फटाफट ले आओगे ना. इस तरह ये यूजफुल सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो अगर नियर होता है तो. सम इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन आर नेबरहुड आर द मार्केट एंड द हॉस्पिटल, द पुलिस स्टेशन, द फायर स्टेशन, द बैंक एंड द स्कूल. ठीक है, ऐसी सारी चीजें इनके घर के पास है जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखे, माई वर्ड पावर. सर्विसेज एंड ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी. सर्विसेज क्या होती है, जो कंपनी होती है जिससे हमें सारी सर्विस प्राप्त होती है. ठीक है, क्लिनिक, अ स्मॉल हॉस्पिटल फॉर स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट. ठीक है, एक स्मॉल हॉस्पिटल होता है जिसमें हमें छोटी मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता है. वैल्यूएबल्स थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट, जो थिंग्स काफी इम्पोर्टेंट होती है उनको बोलते हैं वैल्यूएबल थिंग्स. टिक द करेक्ट आंसर. वी गो टू प्ले इन द, हम खेलने के लिए कहाँ जाते हैं, बैंक में जाते हैं. नो, पार्क, पोस्ट ऑफिस. कहाँ जाते हैं प्ले करने के लिए, पार्क. सो वी टिक ऑन पार्क. फायरमैन वर्क्स एट द स्कूल. फायरमैन कहाँ वर्क करता है, स्कूल में, पुलिस स्टेशन में, फायर स्टेशन में, फायर स्टेशन में. डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर्क इन अ हॉस्पिटल, बैंक और स्कूल. डॉक्टर्स और नर्सेज कहाँ करती हैं काम, हॉस्पिटल में. वी कैन बाय पोस्ट कार्ड एंड स्टैम्प्स फ्रॉम द, हमें पोस्ट कार्ड और स्टैम्प्स लेने के लिए कहाँ जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं. मैच द फॉलोइंग, प्यून, टीचर, स्वीपर. ठीक है, प्यून का क्या वर्क है, क्लीन्स द स्कूल, टीचर्स इन स्कूल, रिंग्स द स्कूल बेल. क्या करते हैं प्यून, रिंग्स द स्कूल बेल. टीचर, टीचर क्या करते हैं, क्लीन्स द स्कूल, टीचर्स इन स्कूल. क्या करते हैं टीचर, टीचर्स इन स्कूल. स्वीपर क्या करते हैं, क्लीन्स द स्कूल. नेक्स्ट फिलिप्स, अ डैश हेयर शॉप सच एज अ ग्रोसरी शॉप एंड अ केमिस्ट शॉप. ऐसी शॉप्स कहाँ होती हैं, स्कूल में, पार्क में, प्रिंसिपल मार्केट. कहाँ होती हैं, मार्केट में. मार्केट में होती है ना ये सारी शॉप्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मार्केट. पीपल गो टू द डैश टू वॉक. पीपल वॉक करने के लिए कहाँ जाते हैं, प्रिंसिपल, पार्क, स्कूल. कहाँ जाते हैं, पार्क में जाते हैं ना वॉक करने के लिए. We learn to read and write in our, हम read और write करने के लिए कहाँ जाते हैं, school में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, school. The head of a school is the head of the school. कौन होते हैं, principal. ठीक है, यहाँ पे हम fill कर देंगे principal.
टिक द करेक्ट आंसर टिया इज अ गुड नेबर बिकॉज हमने एक पे टिक लगाना है टिया के पास गुड नेबर है क्योंकि शी प्लेज द म्यूजिक वेरी लाउडली म्यूजिक को काफी लाउडली चलाती है तो उसके पास गुड नेबर है नो शी थ्रो गार्बेज इन हर नेबर्स हाउस गार्बेज थ्रो करती है अपने नेबर के हाउस में नो शी हेल्प्स हर ओल्ड नेबर अपने जो ओल्ड नेबर है उनकी क्या करती है वो हेल्प यहाँ पे हम टिक लगाएंगे क्योंकि ये राइट ऑप्शन है थैंक यू